हाजर ये पिता परमेश्वर असी तेरा धन्यवाद अते तेरी आराधना करते हाँ। ये प्रभु असी तेरे चरणा विच बैठ के आराधना करन दे लई लायक नहीं हाँ, पर फिर भी तुसी सानू अपने लायक बनाया है। ये पिता असी तेरी महिमा गाउंदे हाँ, तेरी वडियाई करते हाँ। इस समय तेरे चरणा विच अपने पूरे दिल तन मन अते भरोसे नाल बैठते हाँ। तुसी सानू अपने आशीष बरकत नाल मालामाल करो। प्रभु जी तुसी कहा मंगो अते तुआनो दिता जावेगा, लेबो अते तुआनो मिल जावेगा, कड़कड़ाओ अते तुआडे लई दरवाजा खुलिया जावेगा। ये प्रभु असी तेरे चरणा विच आके कड़कड़ाउंदे हाँ, प्रभु जी तेरे चरणा विच आके मंगदे हाँ। ये प्रभु तुसी सानू इन्ना प्यार किया, इत्थों तक सलीब दी मौत तक। ये प्रभु असी कमजोर हाँ, असी पापी हाँ, असी गुनाहगार हाँ, सानू आशीष अते बरकत दे प्रभु, सानू हिम्मत दे प्रभु। ये पिता इस समय असी तेरे सारे संसार नू तेरे चरणा विच रखते हाँ। कोरोना दे बीमारी दे नाल लोग दुखी है,
परेशान है, डर नाल भरे हुए हैं। ये प्रभु तुसी कहा डरो नहीं, मैं सदा तुहाडे नाल हाँ। ये प्रभु इस दुनिया नू इस भयंकर बीमारी तो तुसी बचा लो। असी कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ तुहाडे अगे अरदास कर सकते हाँ। तेरे कोल आके मंग सकते हाँ, बड़े भरोसे अते विश्वास नाल असी तेरे कोल आए हाँ प्रभु। ये प्रभु तुसी कहा चके वेख प्रभु किन्ना पला है। ये प्रभु रोज सवेरे पाक मास की कुरबानी विच तुहानू पाक साकरमेंट राही ग्रहण कर दे द्वारा तुसी साढ़े दिल विच वास करता है। ये प्रभु तुहानू ग्रहण कर दे असी लायक नहीं, फिर भी तुसी सानू लायक ही बनाउंदे हाँ। असी तेरा धन्यवाद करते हाँ, असी तेरी महिमा गाउंदे हाँ। ये प्रभु असी तेने चके वेखिया, असी तेरे प्यार नू महसूस किया प्रभु। इस समय प्रभु तुसी साड़ी बेंदी नू सुन लो, तुसी साड़ी आराधना नू सुन लो, साड़ी दिल दी रोटी आवाज नू तू सुन लो, साड़ी इच्छावां नू तुसी सुन लो प्रभु। इसी समा अपने सारे दिल दियां गल्लां नू प्रभु दे चरणां विच समर्पित करिए। कई लोग परेशान है, बीमारी विच हन, आत्मिक तौर ते गरीब हन, कई लोगों नू रहन दे लई घर नहीं हन, शांति विच नहीं हन, रुकावट भरे हुए हैं। सारियां नू प्रभु दे चरणां विच समर्पित करिए। ये प्रभु तेरे विश्वास विच अटल रहण दा वरदान सानू दो। इसी समा सारे जरूरतां नू जो दिल में है वो सब कुछ प्रभु दे चरणां विच असी समर्पित करांगे। Thank you.
थके अति पाद हिट दबे हुए लोगो मेरे को आओ मैं तुहानू आराम दे दूंगा। प्रभु ने वचन विच सानू दसिया तुसी मेरे को आओ। खुदा सानू तसली दिंदा है, खुदा सानू शांति देने वाला है, खुदा साडे विच रहन वाला है। ये की गल खुदा ने दसी, दिल साफ होना, दिल पवित्र होना, दिल शुद्ध होना। शुद्ध दिल ना प्रभु दे चरणा विच जो कुछ भी मंगेगा वो मिल जाता है। असी चाती मार के वेखिए जो गुणा करते असी तुरते फिरते हाँ। खुदा कोलों उसते लिए माफ़ी मंगिए, ये खुदा तुसी सानू माफ़ी दो, साड़ी दिल नो साफ करो प्रभु। असी गुनाहार हाँ प्रभु, असी बेसहारा हाँ प्रभु। इस समय प्रभु दे चरणा विच असी माफ़ी मंगी, ये प्रभु मेरे दिल नो साफ कर, मेरे दिल नो धो दे प्रभु, अपने पवित्र बहू वहा के तुसी सानू शुद्ध कर। तेरे चरणा विच बैठ के असी आराधना कर सकिए, तेरी वडियाई कर सकिए, ये प्रभु तुसी सानू पवित्र बनाओ। प्रभु दे चरणा विच रोक के प्रार्थना करिए, ये प्रभु तुसी मैनु पवित्र बना। सोचन नाल, बोलन नाल, करन नाल मैं कीते हुए सारे गुनाहां नू प्रभु दे चरणा विच बैठ के सोचिए। ये प्रभु तुसी अपना हाथ वधा के सानू चंगाई दो, अपनी बरकत दो प्रभु। इस समय प्रभु सानू अपना हाथ वधा के आशीष ते बरकत नाल माला माल कर रहा है। प्रभु दी हजूरी नू महसूस करो। जो दुख बीमारी है प्रभु दे चरणा विच समर्पित करिए। प्रभु दा चंगियाई नू महसूस करो, प्रभु दी बरकत ने महसूस करो, प्रभु दा प्यार नू महसूस करो। इस समा प्रभु सानू पवित्र बनाउंदा है, प्रभु सानू शुद्ध कीता है, साड़ी विच कोई गुनाह नहीं। इसे पवित्र दिल ना प्रभु दी वडियाई करिए, प्रभु दी उस्तद करिए। भजन दी किताब चिखाट पगला अते दूजा, ये सब धरती वासियो प्रभु दी जय जयकार करो अते उसकी वडियाई पूरे जोर नाल करो। इस समय असी प्रभु दा वडियाई करिए, प्रभु दी महिमा करिए, प्रभु दी उस्तद करिए। प्रभु साड़ी जिंदगी विच बहुत आशीष अते बरकत दिता, प्रभु नु धन्न करिए। प्रभु दा वचन कहिंदा है बहुत लोग तेरे कोल आके चंगियाई प्राप्त कीता, पर उन्हां विचों सिर्फ एक जन ही प्रभु दी धन्नवाद कीता। उसे तरह वो एक आदमी वांग असी भी प्रभु दा धन्नवाद करिए। प्रभु दा धन्नवाद करन दे लई असी लायक नहीं हाँ, पर फिर भी खुदा ने सानू लायक बनाया।
जिवें किन्नी भी प्रभु इतना आशीष अते बरकत सानू दिता है। असी इस समय प्रभु द्वारा मिले हुए सारे वरदानों के लिए प्रभु की उस्तत अते महिमा करिए। पापा पोप साहिब वास्ते अते सारे बिशपां वास्ते जो कि उन्हां द्वारा सानू बरकतां मिलियां हन उस वास्ते असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां। ए प्यारी यीसू असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां उन्हां सारियां बरकतां वास्ते जो कि सैक्रामेंट दे राहीं तुहाडे कोल हासिल कीती है। असीं इस वास्ते तुहाडा शुक्र करदे हां। ए प्रभु यीसू असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां अपने परिवार ले जिन्हां ने सानू इस दुनिया विच लियांदा ताकि असी तेरी आराधना कर सकिए। ए खुदा बा असी तुहाड़ा धन्नवाद करदे हां कि तुसी सानू सुंदर बलाहार दित्ती कि असी तेरी आराधना कर सकिए, इसलिए असी तेरा धन्नवाद करदे हां। Oh, yes, 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 yes
प्रभु दया कर प्रभु दया कर प्रभु पवित्र दिल नाल असी इसी समा प्रभु दा वचन सुनिए प्रभु तुगाड़े नाल होवे अति तुगाड़े नाल भी होवे पाठ पवित्र अंचल संत युगनन के अनुसार तेरी बढ़ियाई होवे प्रभु अध्याय 10 ग्यारह देव यीशु ने दसिया चंगा चरवाहा मेघा चंगा चरवागा बेडनली अपनी जान कुर्बान करता है जो मजदूर हैं अते चरवागा नहीं हैं अते बेड़ा जिस त्या अपने लिंगन ओ इकडिया नु आवुन व्यक्ते बेड़ा नु चट के बच जांदा है बगियार बेड़ा नु फट के पाट का माता है आते उनानो तितर फितर देता है वो इसलिए बच जाता है क्योंकि वो मजदूर है आते उसनु बेड़ान दी कोई परवाह नहीं है चंगा चरवाहा मैं हाँ मैं अपनिया बेड़ानु जानता हाँ आते मेरिया बेड़ा मैनु जान दिया गैन जिस तरह बाप मैनू जानता है अते मैं बाप नू जानता हाँ मैं बेड़ा ली अपनी जान कुर्बान करता हाँ मेरिया गौर भी बेड़ा गन जिड़िया इस इज्जत दिया नहीं गन मैनू नानू भी ले आवुन जरीरी है अदेव मेरी आवाज सुनन किया इस तरह एक इज्जत अदे एक चरवागा होवेगा इसे कारण बाप मैनू प्यार करता है क्योंकि मैं अपनी जान कुर्बान करता हाँ कि मैं उसनु फिर ले लवा इसनु मेरे तो कोई ले नहीं लेंदा सागो मैं अपनी मर्जी नाल उसनी कुर्बान करता हाँ मैनू इसनु कुर्बान करता दा अधिकार है अते मैनू इसनु फिर ले लेंदा भी अधिकार है एक आज्ञा मैनू अपने बाप वालों मिली है ए प्रभु दा पवित्र अंचल तेरी महिमा होवे मसीहा प्यारे प्रावो एदे बेनो प्यारे बच्चों एक बार प्रभु के पास शिष्य लोग आ गया तब प्रभु ने से एक पूछा मैं कौन हा क्या तू सोचते हो क्या लोग सोचते हो आज दा दिन प्रभु यीशु ये पूछते हा प्रभु यीशु कौन हा संत मत्ती के अनुसार पवित्र अंचल विच हम देखते हैं प्रभु इमानुएल अर्थ है प्रभु साढ़े नाल हा यीशु दा बापतिस्मा दे समा स्वर्ग दे शब्द आ गया पिता परमेश्वर का हे मेरा प्यारा बेटा हा क्या प्रभु ने अपने आप प्रकट किया प्रभु हा मैं संसार दा चानन हा
अंधकार अंधारा बीच प्रभु येसु सारा दुनिया का चानन हा। और प्रभु ये कहते हैं मैं सच्ची अंकुर ती वेले है, राग सच्चाई अते जीवन में हा, मैं जीवन दा रोटी हा। आज ता पवित्र अंजीर विच प्रभु ने दसिया मैं चंगा चरवाहा है, ये चंगा चरवाहा अपने बेड़ों दे लिए जीवन कुर्बान करना चाहता हूँ। बाद में हम देखते हैं प्रभु येसु अपना चरवाहा दे लिए, मेरे लिए, सारानु दे लिए, पूरा दुनिया दे लिए अपना जीवन कुर्बान की थी। देखो ये सलीब उते अपना जीवन कुर्बान की थी। एक कुर्बान करने दे पगले प्रभु येसु ने पाक मिसा तो स्थापित किया। क्यों स्थापित किया? इसके बारे में संत पौलुस ने कहा है कुरिंदियन दे नाम पगला पत्र अध्याय 11 में लिखा है। संत पौलुस कहते हैं भाव है कि जदो ही तुसी एक रोटी खाते अधिक प्याला पीते हो तो तुसी प्रभु दे आवुन तक उसकी मौत ऐलान करते हो। जब हम एक पाक मिसा इधर चढ़ाए जावे तब प्रभु का ये जीवन का कुर्बानी को याद रखते हैं। आज प्रभु येसु ये पवित्र यूक्रिस्ट में आ किया है। प्रभु येसु ये पाक पवित्र इसी में हाजिर हाँ। हम प्रभु का दिल में येसु को साढ़े राज्य बनना है। येसु साढ़े साथ रहता है। येसु मुक्ति दादा हाँ, येसु शांति दादा हाँ, येसु जीवन दादा हाँ। येसु जीवन देने के लिए आया है। प्रभु का हम धन्यवाद दे स्तुति करे आमीन। असी इसी समा प्रभु तुम आशीष मंगिए सिर नेवा करिए। ये प्रभु तुसी अपना आशीर्वाद नाल मुझे माला माल कर प्रभु दा आशीष दे लई सिर चुकाइए। जीता करी पारा
ਤੇ